अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अंकल मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। क्या कुछ कर रहे हो आजकल? बस अभी FSC के पेपर कंप्लीट हुए हैं। आगे का क्या सोचा है, क्या करना है? वैसे अंकल आपने पूछा है तो बता देता हूँ। मैं ना कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं पता है सोच रहा हूँ कि मैं एक्टर बनूँ। बेटा एक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है। डॉक्टर अंकल मेरा मतलब एक्टर ही था, जैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट में जाने के लिए। एक्टर? बेटा पागल हो गए हो? तुम्हें पता है लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे? तुम्हें लोगों की फिक्र है कि लोग क्या कुछ नहीं बोलेंगे? कोई इज्जतदार काम करो, ये नलायक किस्म के काम होते हैं। अंकल ऐसा करें कि आप ही बताएं कि इज्जतदार काम कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, हमारे मुआशरे में सिर्फ दो इज्जतदार नौकरियां हैं, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। बाकी सारे काम नलायक लोग करते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अंकल इन 3 लफ्ज़ों ने पता है कितनी ज़िंदगी बर्बाद की है। वो क्या कुछ नहीं बन सकते थे, लेकिन सिर्फ ये 3 लफ्ज़ कि लोग क्या कहेंगे, उनके सारे के सारे सपने टूट गए। मुझे एक बात बताएं, आप ना उनकी फीसें देते हैं, ना आप मेरी फीसें देते हैं, ना आप किसी और की फीसें देते हैं, सिर्फ अपने बच्चे की फीस देते हैं, तो आप हमारी जिंदगी में आके अमल दखल क्यों करते हैं? क्या हमारा हक नहीं है जीने का? क्या हम जो इस चीज में खुश हैं वो हम नहीं कर सकते हैं? वैसे बेटा बात तो तुमने सही की है, लेकिन क्या करूं, हूं तो मैं देसी अंकल। मेरे बेटे ने तो खुद BBA किया है, लेकिन मैं दूसरों के बेटे को कभी नहीं करने दूंगा जो वो चाहते हैं। हमारा काम है उनकी जिंदगी में टांग अड़ाना, मैं ना करना। वर्ड गए पांडे।